नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पॉल मिस्ट्री ज्ञान चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे पंच महापुरुष योग के पांच अंगों में से एक अंग है हंस महापुरुष योग। अगर आपके हाथ में यह योग बनता है तो ऐसे लोग काफी कह लो कि धार्मिक नेचर के होते हैं, उच्च पद पर आसीन होते हैं, शासन में उच्च पदाधिकारी बनते हैं और कथावाचक में बड़े पदासीन बनते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देखें, इस वीडियो के माध्यम से आपको एक नई और रोचक जानकारी मिलने वाली है। और इसके पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और ये विषय आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक अवश्य कर लें। आइए अपने हाथ की तीन मुख्य रेखाओं को देखते हैं। सबसे पहले हमारी ये जीवन रेखा, जीवन रेखा हमारे जीवन के होने वाले घटनाक्रम के बारे में बताती है, और इसी प्रकार से हमारी ये मस्तिष्क रेखा, मस्तिष्क रेखा हमारे मन के विचारों के बारे में बताती है, और इसी प्रकार से हमारी हृदय रेखा हमारे प्रेम संबंध के बारे में बताती है। सबसे पहले हम देखें हाथों में ये योग इतना प्रबल क्यों माना जाता है। अगर आप अपने हाथों पर देखें तो इसका जो मेन पॉइंट अगर हम कहें हस्तरेखा में, तो ये बड़ा सौभाग्यशाली लोगों के हाथ में मिलता है, ये किसी किसी लोगों के हाथ में मिलता है। अगर देखें तो ये जो गुरु का पर्वत है समानता ऊपर उठा होना चाहिए, और हमारे जो हाथ की फिंगर है या हमारे हाथ का जो कलर है ये गुलाबी कलर का होना चाहिए या रेड कलर का होना चाहिए, इनमें इस गुण की जो शक्तियां हैं बढ़ जाती हैं। और हाथ की जो फिंगर है, उंगलियां जो हैं, ये बड़ी होनी चाहिए, और इसमें जो बनता है ये फेट लाइन जो बनती है हमारी भाग्य रेखा शनि के पर्वत तक पहुंचे, और ये गुरु की फिंगर है, ये गुरु की फिंगर है शनि की फिंगर से बड़ी हो, और यहां पर एक क्रॉस का चिन्ह बनता हो। वैसे तो हस्तरेखा में क्रॉस का चिन्ह अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन एक गुरु के पर्वत के ऊपर अगर क्रॉस का चिन्ह बनता है तो ये काफी शुभ फल प्रदान करता है। ऐसे लोग कह लो अपने जीवन में उच्च पदाधिकारी, कथावाचक, अगर शासन की बात करें तो न्यायाधीश और प्रधानाचार्य या शिक्षक के रूप में उच्च पद तक प्राप्त करते हैं। और ऐसे लोगों को अगर आप देखें तो जीवन में इसी के बदौलत या इसी के कारण बड़ा नेम फेम मिलता है, बड़े उच्च लोगों के साथ इनका संपर्क मेल व्यवहार होता है, लोगों को गाइड करने का काम करते हैं, एक दिशा निर्देश का काम करते हैं। ऐसे लोगों को जीवन में कह लो सुख की प्राप्ति बहुत अधिक होती है। तो दोस्तों ये रही आज की हमारी वीडियो, फिर एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं। आप सबका पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।